आज हम टेलर सीरीज एंड लोरेंट सीरीज के बारे में जानेंगे। एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड बराबर जेड नॉट, देन एफ जेड कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ए पावर सीरीज विथ सेंटर एट जेड माइनस जेड नॉट कॉल्ड ए टेलर सीरीज ऑफ एफ अराउंड जेड नॉट, दैट इज एफ जेड बराबर समेशन ऑफ ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। वहाँ पर ए एन होता है एफ एन डेरिवेटिव एट जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन, जिसको हम एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा ए नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट प्लस एफ डबल डैश जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। ऐसे ही करेंगे तो एन टर्म आ जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा कि एफ जेड टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। हमने पावर सीरीज के सम में इसलिए लिखा क्योंकि पावर सीरीज हमने लिखी थी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, एन बराबर वन से इन्फिनिटी। अब टेलर सीरीज होती है ना, वो क्या होती है, यूनिक होती है और होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ टेलर सीरीज अबाउट जेड नॉट। जेड नॉट के अराउंड एक्सपेंड किया है हमने एफ जेड को, तो जेड नॉट से जो होगी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ जेड नॉट टू ए सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। तो एफ जेड की जो हम सिंगुलैरिटी निकालेंगे उसकी जो जेड नॉट से जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। यदि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है यानी उसकी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम लोरेंट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एफ जेड इज एनालिटिक इन एनलस डोमेन आर वन लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर टू, देन एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड अबाउट एनी पॉइंट ऑफ डोमेन। एफ जेड का कोई भी पॉइंट है डोमेन का, ए पॉइंट कोई भी पॉइंट है उसके अराउंड एक्सप्रेस कर दिया। जैसे एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, यदि इसको एनलस डोमेन में क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये R1 रेडियस का हो गया, ये R2, तो ये जो एरिया है इसके अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक। तो इसका कोई भी पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू हम इस एक्सपेंशन से निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ n बराबर ज़ीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेशन ऑफ n बराबर वन, यहाँ पर वन ध्यान रखना है, वन से इन्फिनिटी बी एन की पावर बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर n। यहाँ पर जो ये पॉजिटिव जेड की पॉजिटिव पावर वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं रेगुलर पार्ट, और जिस टर्म में जेड की नेगेटिव टर्म है वो होता है प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पर ए एन की वैल्यू आती है वन अपॉन आईटा टू पाई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड, एन की वैल्यू जीरो वन टू एंड सो ऑन। ऐसे ही बी एन निकाल सकते हैं वन अपॉन आईटा टू पाई इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन, एन होता है वन टू थ्री एंड सो ऑन।